पापा, अलादीन बहुत अच्छा है। पापा पापा बेटा चौंक गई, प्यार के महत्व को न समझने वाले जाहिल माता पिता के होने की वजह से तुम जैसी प्रेमिकाओं को अपने आशिक की फोटो को जलाकर उसे पीने का नसीब था। वो एक अलग टाइम था, अब बहुत चेंज हो गया है। प्रेम के महत्व को समझने वाले मेरे जैसे पेरेंट्स बहुत डेवलप कर गए हैं, इसलिए दामाद की फोटो को अगर मैं जलाकर पी जाऊं तो यही सही रहेगा। मालिक, उसके लिए आप इसे जलाकर पी रहे हैं, क्या हजम होगा? अरे जा, एक समय था जब मुझे प्यार शब्द ही नहीं पचता था, अब जब वो पच गया तो ये क्यों नहीं पचेगा? बेटा कोई अच्छी कलर फोटो लाओ तो उसका टेस्ट अच्छा रहे। ये क्या, ऐसा लग रहा है जैसे इडली के बाद वड़ा का ऑर्डर दे रहे हो। पापा, मालिक, इसका मतलब है आप अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हो गए? एग्जैक्टली। पुतली तू मेरी रे, मैं तेरी हूँ रे, तेरी हूँ मैं, कठपुतली हूँ तेरी रे। ओ दोनों गाए, ओ दोनों नाचे, ओ दोनों गाए, ओ दोनों नाचे। खिला तो डारी रे मोरी, ओ तू मेरी है रे मेरी है, तू कठपुतली तू मेरी रे। ओ दोनों गाए, ओ दोनों नाचे, ओ दोनों गाए, ओ दोनों नाचे। हिला तू डोरी रे मोरी, ओ बस गई मुझको डस गई तेरी अखियां, हाँ हाय तेरी अखियां। हाँ हो जाता है प्यार में ऐसा, बाबू सुनो ना, ओ बाबू सुनो ना। ऐसा वैसा वैसा ऐसा जैसा भी हो, सुनो साथिया, छोड़ दे भी छोड़ दे तू मेरी कलाई, सुनो माहिया। है प्यारे प्यारे ये नखरे तेरे, तू मेरी है रे मेरी है, तू कठपुतली तू मेरी रे। मैं तेरी हूँ रे तेरी हूँ, मैं कठपुतली हूँ तेरी रे। दिल भी तो
जाने मन तेरा हो गया। लगता है पागल करता है घायल, आज हम झूमे आ गाले हो। तू मेरी हैर मेरी है तू कठपुतली, तू मेरी रे मैं तेरी हूँ तेरी हूँ, मैं कठपुतली हूँ तेरी रे। ओ दोनों गाए ओ दोनों नाचे, इसी को कहते टू इन वन इडली, आधा सांबर आधा चटनी। अरे बेवकूफ चल खा बे। अबे लगता है तू चिल्ला कर पकड़वा देगा हमें, शायद ये मामा लोग हमारे अलाउद्दीन को ढूंढने आए हैं। वो तो घर पे नहीं है। हमको छोड़कर कहाँ चला गया? उस बेवकूफ से एड्रेस पूछ रहा है। तू उधर जाके एड्रेस दे दे। अरे बाप रे उधर मत देख, हमारी ओर ही आ रहा है। तुम्हारे धर्मकर्ता ने कह दिया तुम पर शक है इसलिए अरेस्ट करना पड़ेगा, चल। साहब साहब मेरा विश्वास रखो। साहब मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दीजिए। 25 साल से पूजा कर रहे हैं, वो चोरी नहीं कर सकते साहब, छोड़ दीजिए साहब। साहब मैं जो कहता हूँ आप सुनिए, इनका कोई कसूर नहीं है। उन अमीर लोगों की बात सुनकर आप इनको परेशान मत कीजिए। सर ये तो बहुत शरीफ आदमी है। बस बस समझ गया। हमारा यकीन कीजिए साहब, ये चोरी नहीं कर सकते साहब, छोड़ दीजिए। सुनो तुम अगर कुछ भी कहना है तो स्टेशन में आकर बोलो, वकील करो, कोर्ट में जाओ, ये सब कानून है, समझे क्या? अब कानून नहीं जानते साहब, सच कह रही हूँ, ये चोरी नहीं कर सकते साहब, ये चोरी नहीं कर सकते। तो फिर भगवान ही बचाएगा इसे। साहब सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सच्ची में। नहीं नहीं साहब, अरे पुलिस मेरे पति को ले जा रही है, कोई बचाओ, कोई इन्हें बचाओ। जाकर छुड़ा के लाओ उसे। वकील से बात कर लिया, कल कोर्ट में केस आ जाएगा। हे भगवान, पुलिस वाले मेरे पति को ले गए, पता नहीं उनका क्या हाल करेंगे, वो निर्दोष है। हे भगवान, तुझे सबको बताना होगा कि मेरे पति ने गलती नहीं की, वरना मैं मेरे बच्चे तेरी मंदिर में जान दे देंगे। अगर तू जिंदा है तो मेरे पति को बचा लाऊंगा, वरना अब मैं से कोई जिंदा नहीं रहेगा। तुम्हें जवाब देना होगा। ये अल्लाह कहाँ जा रहा है, क्या आप सांप के मुंह में हाथ डालेगा? गंगाधर एक बड़ा गुंडा है, अगर अब की बार फंस गया तो बस तुझे भगवान ही बचा सकता है। पहले हमें इंसान बनकर काम करना चाहिए, बाद में भगवान को बुलाएंगे। मुझे मूर्ति चाहिए कम से कम आज के दिन। अपने आदमियों को ठीक से हिदायत देकर ध्यान से उस मूर्ति को ढूंढने को कहो, वरना क्या माता के मंदिर की मूर्ति मिली? अरे बाबा मैं आज छोटे चोर से लेकर बड़े स्मगलर तक सबको पकड़ कर पूछताछ कर रहा हूँ, कोई बताने को तैयार नहीं है। तुम एक घंटे के बाद मुझे फोन करना, समझे? एक एक मिनट जी की इज्जत जा रही है, इससे पहले कि उनका नाम बदनाम हो पता करो हमारे किसी आदमी ने लिया होगा। हेलो क्या तिरुचि से? मैं इंस्पेक्टर धन पानी बोल रहा हूँ, पहले उसे कस्टडी में लो और अच्छी तरह से धुलाई करो, बाद में फोन करो। हेलो कौन? हाँ एक आदमी ने मुंह खोला है। कौन? हाँ उसका नाम पता चल गया, अभी मैं उसकी बराबर खबर लेता हूँ, तुम निश्चिंत रहो। अरे रे रे, उसके और अपने जी का छत्ते से आंकड़ा है, पोस्टर में उसका फोटो देखते ही जी टेंशन में आ जाते हैं। मैं किसी तरह उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। हे भगवान ये सब क्या हो गया? जी पहले मुस्लिम था, फिर क्रिश्चियन बन गया और अब वो मूर्ति मांग रहा है। कानून के हिसाब से धर्म बदलना तो गलत बात है, लेकिन उसका पालन नहीं करता। अब वो बुद्ध बन जाए, बुद्धम शरणम गच्छामि कहने से पहले उसको पकड़ना होगा। स्वामी की मूर्ति लेकर पूरे शहर में गली गली घूमने को कहा है, वो कैसे आएगा, कहां से आएगा, भगवान ही जाने।